अस्सलाम वालेकुम यार, सबर करो यार, क्या व्लॉग बना रहा हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सीवीओ। तो आज का व्लॉग जो है काफ़ी कमाल का व्लॉग होने वाला है। तो मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं जुनैद ज़िया व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलो भाई चलते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं और फुल इन्जॉय करते हैं। ये जी मेरे साथ हैं मेरे उस्ताद साहब के बेटे हैं, तो इनके साथ हम जा रहे हैं, इनको घुमाने ले जा रहे हैं, आए हुए हैं पंजाब से। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम रोड पे निकल चुके हैं और फुल इन्जॉयमेंट का माहौल होगा, बिल्कुल इन्जॉय करते हुए जाएंगे और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई और बिल्कुल बिल्कुल फ्री वाला माहौल होगा। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सारे दोस्त रिलेटिव्स आए हुए हैं, सब एक साथ जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम बनाया था सीवीओ जाने का, तो सीवीओ जा रहे हैं हम लोग। तो आप मौसम चेक करें आज, बाकी मौसम भी काफ़ी कमाल का बना हुआ है, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है, यहीं से बहुत मज़ा आ रहा है। और ये जो है पीछे हमारे फैसल भाई खड़े हुए हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली हम जो है सीवीओ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ सीवीओ आने के बाद यार चेक करें यार, ज़रा माहौल चेक करें। तो रुको जरा, सबर करो। माशाल्लाह से क्या ही बात है। ओके, तो गाइस यहाँ पर जो है हम सीवीओ पहुँच चुके हैं और अभी आगे चलते हैं समंदर की तरफ, समंदर की साइड। तो वहाँ आप दिखा दिए हैं हमारे महमूद भाई रिलेटिव्स हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सीवीओ का माहौल क्या ही बात है, वाह अमेजिंग यार। अच्छा, तो यहाँ पर हमने सारी सेल्फी वगैरह ली हैं, अपनी वीडियोस वगैरह बनाई हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, इस बार पानी काफ़ी ज़्यादा गहरा था और बड़ा था। तो अभी ये मुझे घोड़े वाला दिखा है, गाड़ी वाला दिखा है, तो मुझे घोड़े पे बैठने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने कहा चलो आज हॉर्स राइडिंग कर लेते हैं। तो मुझे शौक़ हुआ, मैं बैठ गया घोड़े पे। ओके, तो यार मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था घोड़े पे बैठने का। यकीन से मैं पहली दफ़ा बैठा तो मेरे ऐसे दिल धड़क धड़क कर रहा था। एक तो इस घोड़े वाले ने लगाम मेरे हाथ में थमा दी, बेटा तू चला तू जा। तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो यार बहुत मज़ा आया था यकीन से, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे बहुत शौक़ था घोड़े पर बैठने का। चलो ये शौक़ भी पूरा हो गया। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्या ही बात है, वाह अमेजिंग। सो यहाँ आज के दिन यार काफ़ी मौसम जो है मज़ेदार बना हुआ था। जिस दिन हम आए थे यहाँ पे सीवीओ, बहुत ज़्यादा मज़े का मौसम हो रहा है। और मैंने लड़के को बोला यार कैमरा उस तरफ घुमा, ये कोई चीज़ मुझे लग रहा है कि डूब रही है, लेकिन शायद वो कुछ और था, कोई चीज़ डूब नहीं रही थी शायद। को जैसे पता हो आपको सीवीओ वगैरह में ऐसी चीज़ें होती रही थी, सो कोई जाली वगैरह थी इस तरह की कोई, या लगाम वगैरह थी बेड़ियों की मेरे ख्याल में। तो सब लोग देखने लग गए यार क्या बोल रहा है, क्या हो गया इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सेल्फी वगैरह ली अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सब आए हुए थे, सब बहुत खुश हुए, उनको घुमाया फिराया जो भी पंजाब से आए हुए थे या जितने भी दोस्त थे रिलेटिव्स थे। और उसके बाद बाकी छोड़ें यार, अब मौसम को चेक करें, मौसम क्या है कमाल का आज बना हुआ है यकीन से। मज़ा आ रहा था इस तरह के मौसम हो और बंदा आए घूमने वाली जगह पे, बड़ा मज़ा आता है यकीन से। तो पानी भी काफ़ी तेज़ था बिकॉज ऑफ बाइपरा जो है, उस लिहाज का तो लेवल का पानी नहीं था, लेकिन जो चूंकि पहले बहुत ज़्यादा था उस वजह से पहले हम काफ़ी दिन हो गए थे नहीं आए थे। जो चूंकि आपको पता है कि दफ़ा 144 लगा हुआ था उस वक्त नाफिस था, इस वजह से हम लोग जो है सीवीओ नहीं आ सके। तो आज का प्रोग्राम बना तो अभी सीवीओ वगैरह सब पाबंदियाँ सब ख़त्म हो गई थी और पानी भी उस तरह का गहरा नहीं था, पानी फिर भी तेज़ था, लेकिन हम आगे नहीं जा रहे थे। अब ये जो बच्चा है गिर गया था, हम इसलिए
आगे नहीं जा रहे थे, पानी काफ़ी तेज़ से आ रहा था ना, क्योंकि हमारे कपड़े हम ख़राब नहीं करना चाहते थे इसलिए आगे नहीं गए थे, पानी में नहाए नहीं थे इस वजह से। मेरा तो मकसद है मैंने सिर्फ ब्लॉग बनाना है और बस, और क्या करना है, वीडियोस वगैरह बनानी है, दोस्तों के साथ सेल्फी वगैरह, उनका शौक भी पूरा हो जाएगा, बस यही काम था। ओके, तो उसके बाद जहाँ से हम जो है निकले सीधा चाइना पोर्ट की तरफ गए, इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग जो है दूसरी वीडियोस में अपलोड होगा। इस वीडियो में अपलोड नहीं कर सका बिकॉज़ मेरे पास जो है फुटेज वगैरह नहीं थी, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया तो मैंने दूसरे मोबाइल पर जो है वीडियोस वगैरह बनाई थी, इस वजह से वो अभी एडिटिंग नहीं कर पाया, तो इंशाल्लाह वो व्लॉग भी अपलोड हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर नए वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब मार दें, बस और कुछ नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर दें, बस ये बहुत है मेरे लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।